नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आप HDFC बैंक से किस प्रकार से कार्डलेस विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि बिना कार्ड का ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और कहीं भी दूसरे सिटी में भी आप विड्रॉ करवा सकते हैं किसी के थ्रू में। उसके लिए बेनिफिशियरी आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये जो है ये आपको मोबाइल ऐप से नहीं काम करेगा, इसके लिए आपको क्रोम से लॉग इन करना होगा। तो आइए हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से आप कार्डलेस विड्रॉ कर सकते हैं HDFC में और किसी भी शहर में आप कर सकते हैं और किसी को आप दे भी सकते हैं पेमेंट, कार्डलेस पेमेंट भी आप दे सकते हैं किसी को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। ये मोबाइल ऐप से आपका ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्रोम से लॉगिन करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड HDFC नेट बैंकिंग साइट में आपको पहले डालना है। इस प्रकार से देख लीजिए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। उसके बाद जो है आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउजर से, या फिर अगर यदि कोई दूसरा इंटरनेट ब्राउजर आप यूज करते हैं तो उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है बगल में एक ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र का, तो यहाँ पर आपको जाना है, फंड ट्रांसफ़र में जाना है। यहाँ पर आपको बेनिफिशरी ऐड पहले कर लेना है। यदि बेनिफिशरी ऐड नहीं किए हुए हैं तो आपको यहाँ कार्डलेस ट्रांजेक्शन में आपको जाना है, और यदि आप कर लिए हैं तो डायरेक्ट आपको गो ऑप्शन में जाना है। तो अभी हम ऐड कर चुके हैं, हम यहाँ गो में जा रहे हैं। बेनिफिशरी ऐड करने के बाद वो 24 घंटा के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेनिफिशरी आपको कार्डलेस बेनिफिशरी आपको यहाँ पर ऐड करना है पहले, उसके बाद आपका विड्रॉ हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, मेरा आ गया पंकज, हम ऐड किए हुए हैं तो यहाँ आ गया मेरा नाम जो है वो हम ऐड किए हुए थे तो आ गया। उसको टाइम लगता है इसीलिए आपको पहले एक्टिवेट उसमें आपको ऐड बेनिफिशरी कर लेना है। उसके बाद जो है बेनिफिशरी का यहाँ पूरा आपको डिटेल भरना है, जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर पूरा डिटेल भरना है। सारे डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है, जितना डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। एड्रेस यहाँ पर मांगा जा रहा है, एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये तीनों नेम यहाँ डालना है। उसके बाद जो है आपका उसको जो भी आपका जहाँ कहीं का भी आप विड्रॉ करना चाहते हैं जिस सिटी में वहाँ पर वहाँ का उसको आपको यहाँ एड्रेस डाल देना है। और जो इसमें जो है इसमें आप 10,000 तक मैक्सिमम आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, और मंथली लिमिट जो है 25,000 का दिया हुआ है मंथली लिमिट, तो 25,000 तक आप एक महीना में विड्रॉ कर सकते हैं, और एक बार में जो है आप 10,000 एक दिन में कर सकते हैं विड्रॉ। यहाँ पूरा आपको डिटेल डाल देना है। इस प्रकार से अभी हम फिल कर रहे हैं डिटेल, इस प्रकार से डालने के बाद हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार से आप कार्डलेस विड्रॉ कर सकते हैं HDFC बैंक का। तो इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद जितना अमाउंट है आप जितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को यहाँ पर आपको लास्ट में भर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। यहाँ पर आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका जो उसमें एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर इस प्रकार से आपको OTP को यहाँ पर नेक्स्ट करके आपको यहाँ पर डालना है। OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो है बैंक में जो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। ये आपका OTP जो जाएगा आपका जो बैंक में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर इंटर करके फिर आपको नेक्स्ट करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ से इस प्रकार से। देखिए ये पूरा फिर आ गया, ये डिटेल आ गया, ये जो है ये सक्सेसफुली ये हो गया है। तो अब जो है जो बेनिफिशरी जो है उसका मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, वो मैसेज हम अभी आपको दिखा रहे हैं कैसा मैसेज होता है। तो उसमें जो है एक 9 डिजिट का एक ट्रांजेक्शन आईडी दिया जाता है और एक पासवर्ड दिया जाता है 4 डिजिट का, तो वो सारा चीज़ हम अभी आपको दिखा रहे हैं मैसेज में। तो यहाँ से ये देखिए एक मैसेज आ चुका है, तो हम उसको हम पूरा खोल के हम दिखा रहे हैं मैसेज को। इसमें बेनिफिशरी का मोबाइल में जो मैसेज आएगा इस प्रकार से आएगा, यहाँ देख लीजिए, यू हैव रिसीव्ड कार्डलेस कैश विड्रॉ रिक्वेस्ट RS 8000, हम 8000 अभी भरे थे। तो इसमें ऑर्डर आईडी दिया गया है एंड OTP जो है वो पासवर्ड यहाँ 4 डिजिट का एक दिया गया है, OTP दिया गया है। तो ये है जो ये 24 घंटा तक एक्टिवेट रहेगा। ये ऑल इंडिया का किसी भी HDFC बैंक का जो ATM है उसमें जाके ये 4 डिजिट का जो पिन दिया गया है, उसके बाद जो ऑर्डर आईडी दिया गया है, इससे आप किसी के थ्रू आप विड्रॉ करवा सकते हैं, या फिर किसी का मोबाइल अगर यदि आप बेनिफिशरी में ऐड किए हैं तो उसी का मोबाइल में ये मैसेज चल जाएगा। उसके बाद उसको जो है आगे का हम प्रोसेस बता रहे हैं किस प्रकार से करना है।
तो ये हो गया, ये बेनिफिशियरी जिसको जो जिस जो मोबाइल नंबर आप बेनिफिशियरी ऐड में दिए हुए हैं या दूसरे का दिए हुए हैं या फिर अपना ही मोबाइल दिए हुए हैं, तो अपना ही मोबाइल में आपका इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। अब जो है अब आगे का हम प्रोसेस जो एटीएम में करना है वो हम आपको बता रहे हैं कि एटीएम में किस प्रकार से आगे का प्रोसेस करना है। तो ये मैसेज को आपको इस प्रकार से आपको यहाँ उसके बाद जो है एटीएम में आपको जाना है। एटीएम में इस प्रकार से यहाँ देखिए कार्डलेस विड्रॉ दिया हुआ है, कैश विड्रॉ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस ऑप्शन में टैप करना है। उसके बाद जो है आपको या फिर बटन है तो बटन आपको प्रेस करना है कार्डलेस विड्रॉ के सामने वाला में। उसके बाद जो 4 डिजिट का जो पिन दिया गया है यहाँ पर आपको सबसे पहले इंटर करना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर दिए हुए हैं या फिर आप अपना मोबाइल नंबर ही ऐड किए हुए हैं, तो जो भी मोबाइल नंबर आप बेनिफिशियरी ऐड करने समय में दिए हुए हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको इंटर करना है इस प्रकार से, फिर आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी को इंटर करना है, जो मैसेज में आया है ऑर्डर आईडी जो 9 डिजिट का इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जो अमाउंट जैसे 8000 हम डाले हुए तो यहाँ 8000 डाल दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दोनों को आपको मिला कन्फर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ रिसिप्ट आप यदि लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और नहीं तो नो। तो ये दोस्तों ये प्रोसेस हो गया है मेरा, अब यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है और ये मेरा पैसा जो है 8000 जो हम डाले हुए थे कार्डलेस विड्रॉ वो मेरा यहाँ विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ प्रोसेसिंग में है, अभी प्रोसेसिंग में हो रहा है विड्रॉ प्रोसेस। देखिए दोस्तों ये मेरा अमाउंट निकल चुका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुका है। तो इस प्रकार से आप HDFC का कार्डलेस का जो यूज करके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा आप निकाल सकते हैं किसी भी ATM से। तो यही था दोस्तों पूरा प्रोसेस था इस प्रकार से। आप अगर यदि कार्ड ATM कार्ड अगर यदि आप नहीं यूज करना नहीं अगर यदि भूल गए हैं या फिर आप यूज नहीं करना कार्डलेस विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।